मेरा नाम वल्लभ है। मैं केंद्रीय विद्यालय तिरुमलगिरी स्कूल में फर्स्ट क्लास ई सेक्शन में पढ़ रहा हूँ। आज कविता पाठ में मैं नीली चिड़िया कविता सुनाता हूँ। नीली चिड़िया कविता का कवि श्री हरिवंश राय बच्चन है। नीले आसमान से उतरी नीली एक निराली चिड़िया, गाती उड़ने वाली चिड़िया, उड़ती गाने वाली चिड़िया। इस फुनागी से उस फुनागी पर उड़कर जाने वाली चिड़िया, इन पत्तों में उन पत्तों में छिपकर गाने वाली चिड़िया। फड़फड़ाकर नीचे आकर दाना खाने वाली चिड़िया, दाना कर फड़फड़ का कर झट उड़ जाने वाली चिड़िया। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ जाने वाली चिड़िया, लाख बुलाओ लेकिन मेरे पास न आने वाली चिड़िया। नीले आसमान से उतरी नीली एक निराली चिड़िया, गाती उड़ने वाली चिड़िया, उड़ती गाने वाली चिड़िया। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। उसका शीर्षक है दीनदयाल किसान। एक किसान था, उसके बगीचे में एक आम का पेड़ था। उस पर कोई फल नहीं लगता था। उस पेड़ पर चिड़िया, तोता और गिलहरी रहता था। एक दिन किसान ने सोचा, आज मैं इस पेड़ को काट दूंगा, इसकी कोई फायदा नहीं है। इस लकड़ी से मैं बच्चे पढ़ने के लिए मेज और बाबा के लिए कुर्सी बनवा दूंगा। किसान ने पेड़ के पास गया। जीव जंतुओं ने कहा, किसान किसान इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा गढ़ है। किसान ने कहा, नहीं नहीं मैं तो काटूंगा और आज ही काटूंगा और अभी काटूंगा।
करूंगा। किसान ने पेड़ काटने के लिए गुल्हाड़ी उठाई और घोंसले में छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। किसान को दया आ गई। किसान कहा, ये छोटे छोटे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मैं इस पेड़ को कैसे काट सकती हूँ। किसान ने बोला, ये पेड़ तो बहुत दिन से जीवों का घर है। दोस्तों, मैंने फैसला की है, मैं बिल्कुल औरे पेड़ लगाऊंगा। किसान ने ये कहा तो सभी जीव जंतुओं ने बहुत खुश हुआ और गिलहरी डालों में दौड़ने लगी। छोटे छोटे जो बच्चे और चिड़ियां ची ची कर कर शोर मचाने लगी और जीव जंतुओं को देखकर किसान भी खुश हुआ और घर को चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, हम जीव जंतुओं से प्यारे और दया रखना है। धन्यवाद। अधिकार।